हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट्स बीकानेर से। और आज के ब्लॉग में हम कुछ गाड़ियां दिखा रहे हैं। और चूंकि जैसे आपको मालूम है, बीकानेर जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है और इस ग्रेट थार डेजर्ट में अब इलेक्ट्रिक की लाइनें चलेंगी, बिजली चलेगी। और रेल मंत्रालय का मानना है कि रेल इसमें जीरो एमिशन है और प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा और मित व्यय भी है, एफिशिएंट भी है। इसलिए अब रेल के खंभे और उनके बीच में से निकलती हुई टनल नुमा सड़क में से रेल आएगी, जिससे कि जो ये डेजर्ट का एम्बियंस है, जो डेजर्ट की ब्यूटी है, वह अब कम से कम आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बीच में खंभों के अंदर ही गाड़ियां छुपा करेंगी। तो दोस्तों, ये ग्रेट थार डेजर्ट में 2024 तक रेल मंत्रालय का मानना है कि सारी गाड़ियां पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा पूर्ण कर दिया जाएगा, पीयूष गोयल जी का ट्वीट के अनुसार। ऐसी बात सामने आई है। अभी हम जहां खड़े हैं, ये उदराम सर का बहुत प्रतीक्षित मोड़ है और इस मोड़ पर अभी एल्को बेस्ड 22498 गाड़ी आने वाली है। 22498 ये गाड़ी है मदुरई से, तिरुचिरापल्ली से घोकर बीकानेर की ओर आने वाली सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल ट्रेन ऑफ ग्रेट थार डेजर्ट हम सफर एक्सप्रेस आ रही है। और हम सफर एक्सप्रेस को हमेशा एल्को लीड करता है, हॉल करता है। इस बार ये एल्को ऑफ लिंक का है, शायद लखनऊ से शेड का लग रहा है। ज्यादातर ये इसमें अबू रोड का सेक्शन आता है। और ये इस मोड पर अभी जो आप देख रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो खंबे ही खंबे रहेंगे, जो दिक्कत थोड़ा लगेगा इसमें, अच्छा नहीं लगेगा। अब ये गाड़ी देखिए आप, शर्मा बीकानेर से, और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। हल्का लाइट जल रही है और इसके अंदर ये स्मोकिंग चालू हुआ है। और ये ब्यूटीफुल सीन आगे 2024 के बाद दिखने बंद हो जाएंगे, बहुत कम एल्को आएंगे यहाँ, बहुत कम EMD रहेंगे बस ज़्यादा। तो ये सबसे खूबसूरत ट्रेन है हम सफर एक्सप्रेस। ये छोटा सा पक्षी जो है, ये डेजर्ट वीटर है और बहुत प्यारी सी चिड़िया है। और पीछे आप जैसे देख रहे हैं, डेजर्ट का जो कलर है उसी कलर के अंदर ये कैमोफ्लाइज हुई हुई है और ये डेजर्ट वीटर है। अभी ये हमने यहाँ से उदराम सर से निकल के अब हम यहाँ आ गए रेलवे स्टेशन से के काफ़ी पास, 22498। और इसी प्रकार ग्रेट थार डेजर्ट में पुणे आपको ले चलते हैं। और यहाँ से जो गाड़ी आने वाली है, ये है 14707 बीकानेर से चलकर बांद्रा की ओर जाने वाली रणकपुर एक्सप्रेस, जो वाया जोधपुर होके जाती है। बेहतरीन गाड़ी है। अभी लॉकडाउन में सारी गाड़ियाँ बंद हैं और ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर में है। थोड़े दिनों में ये भी इलेक्ट्रिक WSP7 या WAP4-5 से चलेंगी और एल्को और EMD की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी इस रूट पर। ये 14707
बीकानेर टू बांद्रा, इसका लुफ्त उठाइए। बीकानेर बांद्रा के बाद आज 16587 यशवंतपुर से चलकर बीकानेर को आने वाली बाई वीकली एक्सप्रेस आ रही है, और ये ज़्यादातर एलकोव से आती है या कभी कभी ईएमडी से भी आती है। ईएमडी इसका जो है 16587 यशवंतपुर बीकानेर, और जो ये WDP 4D KJM शेड की है, कृष्ण राजापुरम शेड का है जो बंगलोर शेड का है, और वहाँ से ही चल के आ रहा है। प्रातःकाल की इस वेला में सुबह सुबह ये डिजर्ट वीटर अपना सॉन्ग सुना रहा है, और ये है यूरोमस्टिक्स, या इसको कॉमनली स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड कहते हैं। ये अपने धूप सेक रहा है सुबह सुबह की, और ये छोटा सा चूहा है डिजर्ट कैट, इसका नाम है जर्बिल, और ये अपने सुबह सुबह घास फूस खा के और उसमें से जो भी पानी बचेगा अपना जीवन यापन के लिए पानी यूज करा है। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल ये चैनल देखा, आशा है आपको अच्छा लगा होगा निश्चय। और ये जब तक कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक हम आपको अच्छे अच्छे डेजर्ट के तो हम आपको अच्छा अच्छा सीन दिखाने का प्रयास करें, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो थम्स अप लाइक ज़रूर करना, खूब साथ बने रहना, और आपने हमारा चैनल देखा उसके लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, बार बार तहे दिल से गुड बाय। दोस्तों, आशा है आप ऐसे देखते रहेंगे, लाइक और कमेंट तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से ही मुझे संबल मिलता है। कमेंट ज़रूर देना।